गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ नोवेटेल होटल से, जहाँ पर इस वक्त आप पहुंची है हमारी टीम यानी कि कोलकाता की टीम बंगाल वॉरियर्स से। जी हाँ, बंगाल वॉरियर्स की हम बातें कर रहे हैं। प्रो कबड्डी सीजन 2 जो है वो बस शुरू ही होने वाला है और बंगाल वॉरियर्स हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस वक्त बंगाल वॉरियर्स के कप्तान जो है वो हमारे साथ है, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होने वाली है। मैं बातें कर रहा हूँ नीलेश शिंदे की। लास्ट ईयर भी उनके साथ मेरी बातें हुई थी, एक बार फिर से उनके साथ बातें करके काफी अच्छा लग रहा है। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा टीम के बारे में, जानना चाहूंगा टीम इस साल की तैयारी कैसी चल रही है। टीम की इस साल की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। प्रैक्टिस दो दो तीन तीन टाइम हमारी प्रैक्टिस हो रही है, स्किल प्रैक्टिस चल रही है, वर्कआउट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। गए साल से इस साल हम लोग बेहतरीन तरीके से अपना खेल का प्रदर्शन करेंगे और श्योरली हम लोग 101% फाइनल मार के ही जाएंगे। नीलेश, आपसे जानना चाहूंगा, पिछले बार भी बातें हुई थी, पिछले बार भी टीम ने काफी अच्छा खेला था, लेकिन जो हमने सोचा था वो हो नहीं पाया, कहाँ पे कमी रह गई थी, क्या लगता है? थोड़ी कमी गिर रही थी कि हम लोगों में जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं हो रहा था। अगर डिफेंडर कैच कर रहे तो रेडर से पॉइंट नहीं आ रहे थे, और रेडर अगर पॉइंट मारे तो डिफेंडर से कैच नहीं हो रही थी। तो ये अभी इस साल तो नहीं होगा, प्रॉपरली सभी जन कॉम्बिनेशन से और पूरी यूनिटी से खेलने वाले हैं, तो जीत तो पक्की है हमारी। बिल्कुल, ऐसे बता दूं कि कोलकाता बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि कबड्डी को बहुत ज़्यादा हाइप मिल चुकी है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा कबड्डी जो है और ज़्यादा हाइप हो। कोलकाता लेकर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि ऑफ एयर आपके साथ बातें हुई थी, कोलकाता शहर में आते ही बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले, क्या कहना चाहेंगे आपके शहर कोलकाता शहर के बारे में? कोलकाता शहर तो बहुत ही साफ सुथरा है, हम लोग तो बॉम्बे के रहने वाले तो उधर बहुत ही रश है, तो कोलकाता में बहुत साफ सुथरा अच्छा है। क्लाइमेट भी अभी बहुत ही अच्छा है, जो हमें स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए वो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपना जो रिजल्ट है वो दे देंगे। ओके, मुझे एक बात बताइए, आपके टीम में जो मेंबर्स हैं सबसे ज्यादा मजाकिया कौन है? कुछ फनी बातें भी करते हैं, मजाकिया कौन है जो जब मैचेस नहीं होते रहते, जब आप लोग बैठे रहते रिलैक्स करते रहते नीलेश, तो कोई एक जो बहुत मजाक करता है? यही अपने होम टाउन का प्लेयर है श्याम कुमार शाह, यही हमारे बहुत ही मजाकिया प्लेयर है, जो हमेशा हमें हंसाते रहते हैं, ये जोक वो जोक। ओके, जाते जाते जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे आपको सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहते जाइए। यही कहता जाऊंगा कि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपकी दुआ ही हम लोगों को जिताने वाली है, तो आप यही कीजिए कि जो अपने होम टाउन की टीम है बंगाल वॉरियर्स, तो आप उनको ही सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान से बोलिए कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता मिले। बिल्कुल, क्या बात है। हमारे साथ इस वक्त एक और प्लेयर है बंगाल वॉरियर्स के, नितिन मदाने हैं, उनके साथ भी हमारी बातें होने वाली है। नितिन, आपसे जानना चाहूंगा टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तैयारी कैसी चल रही है? मेहनत तो तीन टाइम चालू है अभी, सुबह दोपहर को और शाम को, मेहनत तो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस बार 100% पहले से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस करेंगे और अपनी टीम को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। नितिन, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए, चाहेंगे कि आपकी टीम और आप इसी तरह खेलते रहें, बंगाल का नाम पूरे इंडिया का नाम इसी तरह रोशन करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन। थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ इस वक्त होम टाउन वाले हमारे अपने श्याम भी हैं, उनके साथ भी बातें होगी। पिछली बार जब वे कोलकाता में थे, जब इंडोर में मैचेस चल रहा था, आपको याद होगा कि मैं भी गया था और मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है श्याम। जरूर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलके। कैमन लग चाहिए, एक बार फिर से टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, प्रैक्टिस जो है वो कल से शुरू होने वाली है, जैसे कि मेरी बातें हो रही थी दिलीप सर के साथ भी, कुछ कहना चाहेंगे टीम इस साल क्या करने वाली है, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? जरूर, पिछले बार जो हमारी टीम थी उससे 12 प्लेयर थे, इस बार तो एक्स्ट्रा 13 प्लेयर और रिक्रूट हुआ, तो बहुत अच्छे प्लेयर आए हुए हैं, अच्छे प्रैक्टिस हो रहे हैं, कंपटीशन अपने में जितना ज़्यादा होगा प्लेयर टीम हमारे फर्स्ट सेवन उतनी भी स्ट्रांग बनेगी, तो आगे अच्छा रिजल्ट का तो आशा है हमें। राज सर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगा, राज सर से क्या क्या ट्रेनिंग, क्या क्या कोचेज, कोच क्या कह रहे हैं? राज सर हमने बहुत ही हमारे स्किल प्रैक्टिस, जो हमें जो कमियाँ थी उन्होंने गए साल की जो हमें कमियाँ थी वो पूरी की पूरी कैच कर ली है और वो कमियाँ पूरी तरह से भरने की वो कोशिश कर रहे हैं, और हम भी जो हमारी कमी रही थी लास्ट सीजन में वो हम पूरी तरह से भर के दे देंगे। दूसरे जो टीम से वो भी काफ़ी चैलेंजिंग रह रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हमने मैचेस के दौरान देखा था, एक ऐसी टीम जो काफ़ी लगती है कि काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसे कोई बता नहीं सकते, कोई टीम काफ़ी स्ट्रांग है और कोई नहीं है, सभी टीम इक्वली है, जो खेल जाएगा वही टीम जीत जाएगी। श्याम, आप कुछ कहना चाहोगे, आपको मजाकिया कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टीम में आप मजाक करते हैं, कुछ अगर बताना चाहें कि टीम के साथ जब रहते हैं, जब आप लोग रिलैक्स करते हैं, मैचेस जब नहीं हो रहे क्योंकि मैच में काफ़ी मेहनत लगती है हम सबको मालूम है, तो कैसे आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं? हाँ, तो कैंप हमारा मुंबई में लगा, फर्स्ट कैंप, सेकेंड कैंप भी मुंबई में लगा, तो घर से बहुत दिन बाहर थे, तो बाहर रहते हैं तो वैसे बोरिंग टाइप हो जाते हैं, तो दोस्तों के साथ मजाक वजाक करते रहते ताकि टाइम पास हो अपने अच्छे तरह, क्योंकि हमारे तीन टाइम प्रैक्टिस हो रहा था कंटिन्यू, तो मेहनत भी ज़्यादा हो रही थी, तो सभी चुपचाप रहते थे,
उसमें जोक थोड़ा मजा कर देते हैं, सही मजा। जोक हमें भी सुना दीजिए एक। जोक जोक बोले तो वैसे ही बस स्पॉट में भी वन लाइनर दे देते हैं, वन लाइनर दे। ओके, मुझे ये बताइए जब सबसे सीरियस कौन है? नीलेश कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कुछ कहते हैं? जरूर, कैप्टन तो बहुत सीरियस है ही, सीरियस रहते हैं और रहना जरूरी है। जो हमारे कैप्टन है उसको जो सीरियस नहीं रहेंगे, सभी साथ मजा करेंगे तो सभी वैल्यू नहीं लेंगे, तो अच्छी बात है। जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, सभी बच्चे जूनियर जो है उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे खेलो, ऐसे करो, आगे हमारी लाइफ ब्राइट है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी आपसे साथ बातें हुई नहीं थी, एक बार फिर से जानना चाहूँगा एज ए कैप्टन नीलेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन तो हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मैं और वो इंडस्ट्रीज टूर्नामेंट में एक साथ रहते हैं, जो भारत पेट्रोलियम के टूर्नामेंट है उसका भी वही कैप्टन है। जैसा कैप्टन चाहिए वैसा कैप्टन हमारी टीम को है, ऐसा मुझे लगता है। जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स पे, उन सभी से कुछ कहते जाइए, जो जो आपके फैंस सुन रहे हैं उन सभी से क्या कहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारी बंगाल वॉरियर को सपोर्ट करो, हम 100% हमारी टीम को ऊपर खिलाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन पर अपनी टीम पक्का रहेंगे, ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम जाते जाते आप भी कुछ कहते यही पे जो लोग सुन रहे हैं सभी से कुछ कहते हैं? जरूर, इस बार आप भी बहुत इंटरटेनमेंट होंगे, हम बेटर करेंगे इस बार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीलेश, थैंक यू सो मच श्याम, थैंक यू सो मच नितिन हमारे साथ बातें करने के लिए। हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है बंगाल वॉरियर्स की टीम है वो और अच्छा से खेले, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था उससे भी ज़्यादा अच्छे से खेले, और इस साल हम चाहते हैं कि ये जो ट्रॉफी है हमें मिले। थैंक यू सो मच नीलेश सर हमारे साथ बातें करने के लिए, आने वाले दिनों में और भी आप लोगों के साथ बातें होती रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।